कुछ ऐसी बातें जो दुनिया के कुछ लोग ही जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो बातें क्या हैं? इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो वो बातें सारी इस वीडियो के माध्यम से बताई गई हैं दोस्तों। तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरी वीडियो देखिए, वीडियो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी दोस्तों। आपका मेजबान तौकीर हुसैन एक बार फिर से अपने यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत करता है। दोस्तों ज्यादा डिले ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो के एंड में एक बार फिर से तफसीली बातचीत करेंगे। असली या फिर अच्छी क्वालिटी की चीजों को आप ऐसे पहचान सकते हो। इस साल के कैलेंडर के आखिर में ऐसा क्या होने वाला है जिसे आप पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार एक्सपीरियंस करोगे? क्यों बस इस छोटी सी क्लिप को पहनने से आपको पहले गोली मार दी जाती थी? और क्या दूध में पेंसिल का कचरा डालोगे तो क्या सच में रबर बन सकता है? जानने के लिए बने रहना वीडियो के अंत तक। नंबर 21, आप दुकान पर जाकर अक्सर कहते होंगे कि भाई जेरॉक्स कर दो, लेकिन जेरॉक्स असल में एक कंपनी का नाम है जो कि फोटोकॉपी बनाने वाले प्रिंटर्स बनाती थी। बिल्कुल जैसे आज इंडिया में नूडल्स को मैगी कहा जाता है, वैसे ही फोटोकॉपी को लगभग हर जगह पर जेरॉक्स कहा जाता है। नंबर 20, लायन की जो एज है वो उसके नाक को देखकर पता लग सकती है। जब वो छोटे होते हैं तब उनकी नाक पिंक होती है, लेकिन उम्र के साथ वो डार्क कलर की हो जाती है, और जब वो अडल्ट बनते हैं तब उनकी नाक एकदम डार्क ब्लैक हो जाती है। नंबर 19, इंडियन करेंसी डॉलर को रिप्लेस कर सकती है। 18 से ज्यादा कंट्री ने INR को अपनी करेंसी की तरह इस्तेमाल करने के लिए मंजूरी दे दी है। यानी कि जिस तरीके से अभी डॉलर को कंपेयर किया जाता है किसी भी कंट्री के करेंसी से, वैसे इंडियन करेंसी को किया जाएगा। हालांकि इस चीज को अभी भी टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी इस बात के लिए 1 लाख तो बनता है। नंबर 18, अगर आपके पास ब्लू जींस है तो मई 20th को उसे बर्थडे विश करना, क्योंकि मई 20th को ब्लू जींस का बर्थडे मनाया जाता है। इसका जन्म 20 मई 1873 में हुआ था, और तब से हर साल मई 20 को इसके बर्थडे की तरह कुछ जगह पर सेलिब्रेट भी किया जाता है। नंबर 17, एक मिथ के हिसाब से अगर आपके लेफ्ट हैंड में खुजली हो रही है तो आपके पास से पैसे जाने वाले हैं, और राइट हैंड में खुजली हो रही है तो आपके पास पैसे आने वाले हैं। अब इन बातों में कितना सच है आप मानते हो या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। नंबर 16, आपने सुना होगा दारू पीकर जो कुछ भी हम बोलते हैं या जो सुनते हैं वो हम भूल जाते हैं, लेकिन इसमें दारू की वजह से हम नहीं भूलते, बल्कि ज्यादा दारू पीने से आप कह सकते हो कि हमारा दिमाग मेमोरी को सेव करना ही बंद कर देता है, और इसीलिए हमें वो चीजें बिल्कुल भी याद नहीं रहती। नंबर 15, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि अगर आप कभी भी सच बोलते हो यानी कि ऑनेस्ट बिहेव करते हो तो सामने वाले को लगेगा कि आप बहुत सारे रूड हो या फिर आप उनसे अच्छे से बात नहीं कर रहे। नंबर 14, बिहार के एक आदमी ने 2 करोड़ के हेलमेट लोगों को गिफ्ट किए। एक रोड एक्सीडेंट में उसके सबसे अच्छे दोस्त की जान चली गई थी क्योंकि इसने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, जिसके बाद उसने 49,000 लोगों को हेलमेट गिफ्ट किया, और इन सबकी मिला के कीमत 2 करोड़ की थी। नंबर 13, पहली रोलर कोस्टर को जिसमें हम मजे से बैठते हैं उसका इस्तेमाल पहले ऐसा नहीं था, इसका इस्तेमाल कोयले को पहाड़ के ऊपर से नीचे लेकर जाने में किया जाता था, लेकिन जब लोगों को पता चला कि रोलर कोस्टर 50 माइल्स पर आवर की स्पीड तक जा सकता है तो उन्होंने इसमें बैठने का सोचा, और उसमें उन्हें बहुत मजा आया। तो फिर टूरिस्ट काम कर रहे लोगों को कुछ रुपए देते थे और वो उन्हें रोलर कोस्टर में बैठने का मौका देते थे। नंबर 12, टैको बेल, पिज्जा हट और KFC तीनों में से ज्यादा कौन कमाता है? भले ही कोई भी कमा ले, मुनाफा तो बस एक ही कंपनी का आने वाला है, क्योंकि ये तीनों जायंट फास्ट फूड आउटलेट एक ही कंपनी द्वारा ओन किए जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि सब एक दूसरे से कंपटीशन में है। नंबर 11, आपने इस चीज को नोटिस किया होगा लेकिन GTA 5 की पूरी गेम में एक भी बच्चा नहीं है। वैसा क्यों नहीं है आपको पता ही होगा अगर आप ये गेम खेलते हो तो, लेकिन फनी बात तो ये है कि इस गेम को बच्चे ही खेल रहे हैं। नंबर 10, सांता क्लॉस एक पायलट है। दरअसल 1927 में सांता क्लॉस को एक ऑफिशियल पायलट का लाइसेंस दे दिया गया था। अब सांता क्लॉस असलियत में है या नहीं ये किसी को नहीं पता, तो लाइसेंस किस नाम पे इशू किया गया था वो तब के लोग ही जाने, लेकिन उस समय हर कोई सांता क्लॉस को रियल मानता था। नंबर 9, विजय माल्या जब इंडिया से भागा तो उसका कहना था कि उसके पास लोन वापस देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन असलियत में उसके पास पैसे थे, और जस्ट भागने से पहले उसने 330 करोड़ की जमीन भी खरीदी थी, लेकिन वो इंडिया के बाहर का ट्रांजैक्शन था इसलिए उसे तभी नहीं पकड़ा जा सका, और उसके बाद तो महाशय इंडिया ही छोड़ गए। नंबर 8, अमीर लोगों की कॉफी यानी कि स्टारबक्स के CEO भी अब एक इंडियन है। इनका नाम है लक्ष्मण नरसिम्हन और ये भी इंडियन ओरिजिन के हैं, जिनको हाल ही में स्टारबक्स का CEO बनाया गया है। नंबर 7, डेली शराब पीने से दिमाग बूढ़ा हो जाता है। रिसर्च में पता चला कि जो लोग डेली अल्कोहल पीते हैं उनका दिमाग जल्दी एज करने लगता है। नंबर 6, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सब लोग पेपर क्लिप पहनने लगे थे। दरअसल पेपर क्लिप पहनने का मतलब ये था कि वो नाजी आइडियल और रेसिज्म के खिलाफ खड़े हैं, यानी कि ये साइलेंट प्रोटेस्ट करने का एक तरीका था, लेकिन आज हम इसे काम से पहनते हैं, और पहले के लोगों को ये पहनने से अपना जान का खतरा भी था, तो इसलिए इसे लोग बहुत कम पहना करते थे। नंबर 5, आइसलैंड में नॉर्मल पब्लिक के पास सबसे ज्यादा गन मौजूद है, यानी कि किसी भी कंट्री के कंपैरिजन
कंपैरिजन में यहाँ पर नॉर्मली ज्यादा गन मौजूद है और यहाँ पर क्राइम रेट एकदम ना के बराबर है। यहाँ पर ज्यादातर गन हंटिंग जानवरों से बचने के लिए इस्तेमाल होती है। नंबर 4, स्टील वुल नाम का एक सब्सटेंस होता है, वो बहुत ज्यादा फ्लेमेबल होता है और उसपे आसानी से आग लग सकती है। आप देख सकते हो बस बैटरी यानी कि सेल के दो कॉर्नर टच करने पर छोटा सा स्पार्क हुआ और उस पूरे स्टील वुल पर आग लग गई। ये देखने में बहुत ज्यादा सैटिस्फाइंग है। नंबर 3, रोल्स रॉयस और न्यूक्लियर एनर्जी का कहीं पर भी लेना देना नहीं लगता, लेकिन रोल्स रॉयस के पास सिक्योर फंड पड़े हैं चांद पर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए। यानी कि जब मून पर बेस बनाएंगे और वहाँ पर जब न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएंगे तो ये काम रोल्स रॉयस करने वाला है। एटलीस्ट वो उसके लिए पैसों को सिक्योर करके रखा हुआ है। नंबर 2, असली या फिर अच्छी क्वालिटी की चीजों को पहचाने का कमाल का ट्रिक है। जैसे कि आप पानी पूरी में अगर आप पानी भरने के बाद पानी की पूरी ट्रांसपेरेंट दिखती है तो उसका मतलब है कि वो पानी पूरी की क्वालिटी कम है, और अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं दिख रहा मतलब वो पूरी अच्छी क्वालिटी की बनी हुई है। इसी के साथ आप हनी की एक बूंद को अपने कपड़े पर डालते हो और अगर वो हनी दाग छोड़ देता है तो मतलब कि वो हनी पानी में मिला हुआ है, और अगर वो दाग नहीं छोड़ता तो वो अच्छा हनी होता है। और आखिर में अगर आप कोई लेदर की चीज खरीद रहे हो तो आपको उसे स्मेल करना चाहिए। अगर इसमें सिंथेटिक सी या फिर ग्लू जैसी स्मेल आ रही है तो वो नकली लेदर हो सकता है। नंबर 1, अगर आप दूध में पेंसिल का कचरा डालोगे तो क्या वो रबर बन जाएगा? ये सुनकर यकीन नहीं आता क्योंकि सच में ये नहीं होता, लेकिन अमेरिका में स्मिथ को इतना ज्यादा फैलाया गया था कि आज भी वहाँ के कई बच्चे इसे सच मानते हैं और कई लोगों ने इसे ट्राई भी किया है। पर स्मिथ की शुरुआत कैसी हुई थी ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये एकदम ही गलत है। और इसी के साथ जब मैगी जैसी इंस्टेंट नूडल्स वहाँ पर पहली बार आई थी तो उन्हें देखकर ये बिल्कुल किसी रबर बैंड की तरह लगी थी, क्योंकि एशियन कंट्रीज में नूडल्स तो काफी कॉमन थी, लेकिन अमेरिका और बाकी वेस्टर्न देशों के लिए ये बहुत ज्यादा अलग ही चीज थी और उन्हें बिल्कुल किसी रबर बैंड की तरह लगता था। और आखिर में अगर बात करें च्यूइंग गम की तो लोग कहते हैं उसमें एनिमल की स्किन का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये बात तो सच नहीं है, लेकिन इसमें सच में रबर का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, सच में इसमें कुछ हद तक रबर होता है, इसलिए इसे निगलने से मना किया जाता है। वैसे आपके लिए कुछ बोनस फैक्ट, आपने हेवन और हेल के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक असली हेल भी मौजूद है? और आप बता सकते हो कि ये किसने ढूंढा? ये टोटली अनप्रिडिक्टेबल था, लेकिन इसे नासा ने ढूंढा है। ये एक प्लैनेट है जिसका नाम है K2-141b, और ये प्लैनेट हमारे अर्थ से 200 लाइट ईयर्स दूर है, और यहाँ पे रॉक्स और फायर की बारिश होती है, और यहाँ पे ओशंस लावा के बने हुए हैं। और ये सुनने में ऐसा लगता है कि ये एक्चुअली में एक हेल हो जो कि एग्जिस्ट करता है। आपने कभी ना कभी वेदर फोरकास्ट देखा होगा, आप ऐसे फोन लेते हो और देख लेते हो कि वेदर कैसा होने वाला है या फिर वेदर कैसा है, तो आप जितना आसानी से देखते हो ये वेदर उतने आसानी से मिलता नहीं है। ये वेदर फोरकास्ट की डिटेल्स ढूंढने में इतनी आसान नहीं होती है। एक दिन के वेदर फोरकास्ट को जानने के लिए 10 बिलियन मैथ कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, एक दिन के वेदर फोरकास्ट को जानने के लिए। वाओ भाई, इतना सब कुछ आपने जान ही लिया है, पर क्या आपको पता है कि ये कोल्ड ड्रिंक पूरी भरी हुई क्यों नहीं होती? कैसे आप बैठे बैठे 1 kg लॉस कर सकते हो, और कैसे आप एक गाने को सुन के अपने कान के पूरे मैल को निकाल सकते हो, और बस ये करके आप एक खराब अंडे को आसानी से पहचान सकते हो? भाई ये वीडियो तो एंटरटेनमेंट का डबल डोज है, तो इस वीडियो को अभी दबाओ, और अभी तक ये वीडियो को लाइक नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, वीडियो को लाइक अभी कर दो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देख ली होगी और वीडियो काफी आपको रोचक लगी होगी। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो हर टाइम आपको मिलती रहे, इसके लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे वो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, अपना अपनों का अपने समाज का बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।